Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे ने सुसाइड कर लिया है। आशुतोष 32 साल के थे। आशुतोष ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दी थी। पुलिस के मुताबिक आशुतोष का शव नांदेड़ स्थित उनके बंगले से लटका हुआ मिला। आशुतोष एक महीने पहले नांदेड़ आए थे। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आशुतोष के निधन से शोक की लहर है। आशुतोष के अचानक चले जाने से फैंस सदमे में हैं। आशुतोष ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि आशुतोष फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस मयूरी देशमुख के पति थे। 21 जनवरी 2016 को मयूरी और आशुतोष की शादी बंधन में बंधे थे। दोनों की बॉन्डिंग शानदार थी। उनका नांदेड़ के गणेश नगर इलाके में बंगला था। कुछ दिनों पहले ही दोनों अपने घर आए थे। आशुतोष इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चित एक्टर थे। उन्होंने एचआर थरला पक्का नाम की एक फिल्म किए थे। इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। मयूरी भी मराठी इंडस्ट्री के फेमस एक्ट्रेस हैं। उन्होंने सीरियल खुलता खाली खुलेना से घर घर में पहचान मिली। दोनों की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया जाता है। आशुतोष की सुसाइड खबर ऐसे समय आई है जब पूरा देश बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सिरने से उभर रहा है। सुशांत ने 14 जून को अपने मुंबई घर में आत्महत्या कर ली थी। सुशांत 34 साल के थे। सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया, इसे लेकर अभी जांच पड़ताल जारी है। हाल ही में उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई, जिसे फैंस का भरपूर प्यार मिला था। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।